चंद्रमल जी पांड्या पूर्व उप सरपंच कुंजी सर पधारे। एक बार जोरदार सा जयकारा लगाएंगे, सभी समाज के विप्र बंधु बैठे हैं, कृपया एक साथ जयकारा लगाएं। बोलो भगवान परशुराम की जय। सम्मानित मंच को मेरा नमन और आए हुए विप्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूं और युवाओं को भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज समाज के विप्र बंधु एक जगह आज इकट्ठे हुए हैं, कुछ ने अपने ये समस्या आई है, क्योंकि हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वोट दिए हैं, लेकिन हमारी कभी भी गणना पार्टी को मतदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। केसरी चंद जी धंधावत सावा से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हेमंत जी व्यास से, वो अपनी बात रखेंगे। हेमंत जी व्यास नहीं है क्या? बलेंद्र जी भारद्वाज से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। बलेंद्र जी भारद्वाज। सभी उपस्थित विप्रजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, कुछ ऊंच नीच बात हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। किसी ने कहा कि पास था गम नाकामी ये सयाद का, पास था गम नाकामी ये सयाद का, वरना मैं और एक दाने के लिए जाता। इसके पीछे का संदर्भ जब तक नहीं पता हो तब तक ये बात शायद समझ ना आए, तो दो मिनट का समय लेके मैं बताना चाहूँगा। एक जंगल में एक पेड़ पे कबूतर रहते थे और पूरा कुटुंब उनका वहाँ बसता था। एक बहेलिया एक दिन उस जंगल में आता है और अपना जाल उस पेड़ के नीचे बिछा के कुछ दाने डाल देता है। उन दानों को चुनने के लिए जैसे ही कबूतर उड़ने लगते हैं तो एक वृद्ध कबूतर उनको रोकता है कि मत जाना, तुम्हें ये दाने दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये जो जाल बिछा रखा है ये जाल तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम दाना उठाओगे, इस जाल में फंस जाओगे और ये बहेलिया जो वो देखो दूर बैठा है वो तुम्हें ले जाके खा जाएगा या बेच देगा। सारे कबूतर रुक जाते हैं। एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन जब निकलता है तब वही बूढ़ा कबूतर जो बैठा था वो खुद वहाँ से उड़ता है और उस जाल में जाकर के चोंच मारता है और फंस जाता है। तब वो सभी हंसते हैं और कहते हैं कि हमें ज्ञान दे रहा था, आज देखो खुद वहाँ जाके फंसा है। उस समय वो कहता है कि पास था गम नाकामी ये सयाद का, कि ये बहेलिया चार दिन से यहाँ बैठा है भूखा प्यासा, इसके बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं, तो मेरी उम्र मैंने जी ली, आज मैं इसके बच्चों के लिए अपना बलिदान जो है वो दे रहा हूँ। तो साथियों, ऐसे ही शख्सियत माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमें हमारे बीच मिले हैं। हमारा तन मन धन से ये कर्तव्य बनता है कि पिछले 5 वर्ष में माध्यम से हमें एक मौका मिला है और हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब पूरे राजस्थान में जहाँ से चाहते वहाँ से वो सीट लेके चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हम सबके अनुरोध पे ही उन्होंने तारानगर की सीट को चुना, आज वो हमारे बीच हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके साथ जुड़ें और करें, क्योंकि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल के पर्वत ढह जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग जिसमें चक्कर खाया करते हैं,
पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, तो आज हमारे समाज के लिए इतिहास बनाने का मौका है। तन मन धन से जुट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके समर्थन में हम वोट करें, ताकि आने वाली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार आए ब्राह्मण को ब्राह्मण दादा कह के बोलने को मजबूर हो जाए। वो ताकत हमारे वोट की हमें इस चुनाव में दिखानी है, समाज के रूप में एकत्रित होके। इसी के साथ धन्यवाद, आभार। बोलो भगवान की। गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि पीछे जो खाली जगह है उसमें कुर्सियों की व्यवस्था करें। दूसरे जो बाहर खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अंदर आएं और पंडाल में व्यवस्थित जगह पे बैठें। दूसरा, जो भी उद्बोधन के लिए समय सीमा बांधी है कि 2 मिनट में, अभी कुछ ही पल में हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पहुंच जाएंगे। 2 मिनट में जो बात बोली जाती है अपने को संबोधन के रूप में, आप समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना संबोधन दें। और जो भी इधर, मैं अगर सावा, बुचास, देवगढ़, सभी गांव से जितने सारे गांव हैं, कोयना, सातू, राजपुरा, ब्रह्मनगर, मोहत सिंह की डाणी, जितने सारे हैं, चाहे वो 15 पंचायत के ददरेवा, जितने सारे गांव से जो लोग पहुंचे हैं यहाँ, उन सबका इस पंडाल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेकिन जो बाहर खड़े हैं, जो गेट पर खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी खाली जगह पड़ी है उस खाली, जो भी खाली कुर्सियां उस पर बैठे बिराजे। और अब मैं निवेदन करूंगा अगले वक्ता के रूप में, वक्ता ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। गोविंद राम जी, टेंट हाउस से आग्रह करूंगा कि जो एक रो है इसके अंदर को और कुर्सियां लगा दे, ये जो खाली स्थान स्पेस है ना, इसके अंदर कुर्सियों की व्यवस्था करे भी। आगे मैं निवेदन करूंगा भंवर जी सावा से, 2-2 मिनट में भंवर जी सावा 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। और एक बात और, जिनका नाम मंच से गांव से लिया गया नहीं है, एक बार भगवान परशुराम के जयकारे से उनका स्वागत मान लिया जाए। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए सभी विप्रजन बंधु और मातृशक्ति, ये आज बहुत सुनहरा और सुंदर दिन है कि आज हम समाज के एक सबसे छोटे से लेकर के बड़े तक और महिलाएं एक एकत्रित हुए हैं। नहीं तो हमें कुछ बिखराव दिखाई दे रहा था। सबसे सुंदर बात है समय है, और जो बात साथियों ने कही है वो सही है कि इस समय चूक नहीं होनी चाहिए, वोट में चूक नहीं होनी चाहिए। एक वोट अपना तो एक वोट दूसरे का लो, इसलिए बराबर करो। किसी भी सूरत में हम ज़्यादा हैं तो उनको भी हमारे बराबर लेके आओ। ये 4-5 दिन का मौका है, झूठ बोलने वाले आएंगे, बहकाव करेंगे। आप अपने अपने बूथ पर अच्छी तरह से वोट गिरवाएं और मौजूद रहें, एक भी व्यक्ति वोट देने से वंचित न हो। धन्यवाद। धन्यवाद माहित। आगे मैं निवेदन करूंगा मनोज जी लाटा राजपुरा से, वो अपनी बात रखेंगे। मनोज जी लाटा, आगे मैं निवेदन करूंगा हेमंत जी व्यास से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। हेलो, सभी को भगवान परशुराम की आवाज नहीं आई, दोनों मुट्ठी बंद करके सभी को भगवान परशुराम की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज का इस विप्र महासम्मेलन में पधारे हुए मंच पर विराजमान मेरे तमाम बड़ों बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, और मंच के सामने विराजमान तारानगर विधानसभा से सुदूर गांव ढाणी ढाणी से चलकर आए मेरे तमाम विप्र साथियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि आने वाले 25 तारीख को अपने विधानसभा चुनाव होने कि उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक समय मैंने ऐसा जनसेवक कभी नहीं देखा
जिसका दरवाजा सुबह 5 बजे से लेकर के और रात्रि 11 बजे तक खुला हो और किसी को भी बिना कोई संतुष्ट किए नहीं भेजा, तो एक बार जोरदार तालियों से अपने राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता, चलो समय सीमा है इसके लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सभी भगवान परशुराम की जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। हमारे बीच पंडरेऊ से नेकीराम जी शर्मा दादीज पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। नेकीराम जी, ज्वाला शर्मा से आग्रह करूंगा कि एक सीट आपकी खाली पड़ी है, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कड़ी में मैं मनोज जी लाटा राजपुरा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। भगवान परशुराम की जय हो। सम्मानित मंच, आज का जो विशाल प्रोग्राम ब्राह्मण समाज का हमारे प्रभुजनों के नेतृत्व में किया जा रहा है, विदित है 25 तारीख को हम सब विश्व के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसमें अपनी आहुति देने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक जोरदार जयकारा हो जाए, भगवान श्री परशुराम की। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र जी सांकरो उत्सावा से, वो अपनी बात रखेंगे। धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? आइए साहब बोलिए। सालासर बालाजी महाराज की जय हो। आप सभी विप्रजनों का पधारे हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जीत अपनी ये है कि आज हम सब एक जाजम पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है, बहुत समय पहले की बात है, चलती भी आ रही है, नहर का मुद्दा जो अपने बहुत प्रचलित चल रहा है अभी। आरे जी कोई विधायक है, नहर थारे ले आ देंगा, नहर थारे ले आ देंगा, बा नहर आज तक यहाँ ही को नहीं, आप सुनता है, बूढ़िया पर भी सुनता रहे हाँ, कह अब कड़े थे मैंने वोट दे दो, जिका चावल सिजाऊंगा, बा नहर आ रहे पानी सिजाऊंगा, बा नहर अभी तक आपने को नहीं पूकी है, वो एक आपने बहुत सुनहरो मौको है, वो वोट आ वोट की जी क्या होती है, आपने राजेंद्र जी राठौड़ ने देखे आप पूर्ण बनानी है। आप सब विप्रजनाओ मेरा निवेदन है कि सारा एकजुट हो गए, कम से कम एक वोट आपके सामने अदर समाज को लिया है, इनके लिए सबको थारो बहुत बहुत धन्यवाद पधारिया। जय हिंद जय भारत। मेरे को आज एक बात आज भी याद है, किसी कर्मठ कार्यकर्ता को यह कहा गया कि समाज अपनी सोच ठीक करे, समाज अपनी सोच बदल के मेरे पास में आए, तो मैं आज उस व्यक्ति से आप सबके माध्यम से ये कह रहा हूं कि जब हम जहां खड़े होते हैं सोच वहीं से प्रारंभ होती है और स्टार्ट भी होती है। तारनगर के इतिहास में ऐसा कोई कार्यक्रम हम वोट डालते हैं और ऐसे डालते हैं डालने के बाद में खामोश, अपने वोटों की कहा ना तो कोई चर्चा, हम भी हराने और जिताने का मादा सबको रखते हैं। आज हम सब यहाँ राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पुणे जय घोष के साथ में, बोलिए भगवान परशुराम की। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जगदीश जी धादीज साथियों से कि वो अपनी बात रखेंगे। जगदीश जी धादीज, सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम को नमन करता हूं। आज के इस विप्र समाज के सम्मेलन में पधारे हुए सभी विप्रजन, सम्मानित मंच, सामने विराजे अति सम्मानित विप्रजन, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति बहनों भाइयों, हमें ऐसा उम्मीद
इच्छा होती है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तारा हाँ, हमारे उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब पहुंच गए हैं। बहुत जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करें। अभिनंदन स्वागत। हमारे कार्यक्रम के आकर्षण हमारे सभी खड़े हो गए, अपने स्थान पे खड़े हो गए। राठौर साहब का जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक विजय घोष, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र, राजेंद्र राठौर, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर। अभिनंदन है, अभिनंदन है। राजेंद्र राठौर, भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र, राजेंद्र राठौर, राठौर राजस्थान ए से हम सबके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा नेता कैसे, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बोलो भगवान परशुराम की। हाथ उठाकर करें हमारे राजेंद्र सिंह राठौर साहब का। बोलो भगवान परशुराम की। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अभिनंदन स्वागत। जी मैं तो अपनी बात रखे, राठौर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपनी बात रखे, अपने बीच में हमारे उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सब इनका स्वागत करें और हाथ ऊपर उठाकर सब ये करें कि हम राजेंद्र सिंह राठौर को पूरा समर्थन देंगे। हमें आप जो भी खड़े हैं, कृपया निवेदन है कि आप जो भी खड़े हैं वो बैठ जाएं। धन्यवाद महित। अब मैं स्वागत करा देते हैं। अच्छा, अब मैं मंत्रोच्चारण के साथ में सभी पंडितों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे विराजे और राठौर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भगवान परशुराम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करके विधिवत रूप से दोबारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं भगवान श्री परशुराम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान परशुराम की। विजय जी शर्मा चूरू से जो पधारे हैं, अभिषेक जी चोटिया चूरू से जो पधारे हैं, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। स्वस्ति वाचन के साथ में हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रव मंगल भगवान विष्णु मंगल विकास मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम नमो गणेभ्यो ग
व्रातेभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वीरेभ्यो कृत्स्नपतिभ्यो नमो नमो वीरेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः अम्बिके मालिके नमः नयति हस्तराय सरस्वती स्वगाय सुदृगा अम्बिनवासिनी मे स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिरोरुहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान की एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम की जय हो। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। पूरे पूरे तारनगर विधानसभा के विप्र बंधुओं की तरफ से 151 किलो की माला पूरे मंचासीन अतिथियों के द्वारा सभी राठौड़ साहब को पहना के स्वागत करेंगे। सभी मंचासीन अतिथि से आग्रह करूंगा कि साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सुनील जी उदैया, अरे सामने से उठो भाई। राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र राठौड़। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सभी अतिथियों का होगी वो बंगला राजेंद्र राठौड़ का होगा। जहां सचिवालय में जाओगे, जिस ऑफिस के आगे कतारों में आदमी खड़े होंगे, वो ऑफिस राजेंद्र राठौड़ का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को फूल का बटन दबाकर बहुत भारी मतों से विजयी बनाएं और आज के बाद घर घर जा करके दस्तखत दें, वोट मांगें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। राकेश जी जांगिड़ का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रतन सिंह जी राठौड़ मंच पे पधारे। सुनील जी उदैया, राठौड़ साहब का पूरी टीम के साथ में फरसा देके और उनका अभिनंदन करेंगे। सुनील जी उदैया, भगवान परशुराम की। मिकी जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय कुमार शर्मा सभापति नगर परिषद चूरू, उनका अभिनंदन, स्वागत मंच पे अपना स्थान। अब मैं जयपुर से पधारे हैं प्रदेशाध्यक्ष विप्र महासभा सुनील जी उदैया से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। सुनील जी उदैया। विश्वनाथ जी शर्मा चूरू का अभिनंदन, स्वागत।
बोलो परशुराम भगवान की। देखो जयकारा ऐसा होना चाहिए कि ये आवाज तारानगर से चूरू होते हुए लक्ष्मणगढ़ को होते हुए सीधे जयपुर से और पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। दोनों हाथों को मुट्ठियां बांध करके ऊपर उठा लो और फिर जयकारा मन से लगाओ एक बार, बल परशुराम भगवान की, बल परशुराम भगवान की। मंच पर विराजमान राजस्थान के जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब और तारानगर क्षेत्र के, चूरू क्षेत्र के सम्माननीय समाज के बुजुर्गण, मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों और ब्राह्मण समाज के प्रमुख सभी उपस्थित जन, तारानगर के लिए विशेष दिन है क्योंकि जब एक ब्राह्मण बोलता है कल्याण मस्तु, तो आज तो इतने सारे ब्राह्मण मौजूद हैं और जब इतने सारे ब्राह्मण एक साथ बोलेंगे तो उसी के लिए नारा दिया गया है कि जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है। सबसे सर्वोत्तम और उच्च सम्मान यदि किसी ने दिया है तो वो राजपूत ने दिया है और आज भी राजस्थान के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण ही नहीं 36 कौम का व्यक्ति जयपुर में जब राजेंद्र राठौड़ साहब के निवास पर आता विमान लेकर के जाता है। आज का दिन तारानगर के लिए इस पे, ये तारानगर का मामला नहीं है भाइयों, ये तारानगर से जो आप चुन करके भेज रहे हो जो सितारा है, ये पूरे राजस्थान में चमकने वाले सितारे हैं और उसमें सबसे ज्यादा आज बाही बाही होगी वो तारानगर क्षेत्र की होगी। हम भी जयपुर से आए हैं, किस लिए आए हैं कि जब जब भी ब्राह्मण की आवाज जयपुर में सड़कों पर, विधानसभा पर, धरनों में, प्रदर्शनों में जब जब भी ब्राह्मण को जरूरत पड़ी तो विधानसभा में एक आवाज गूंजी और वो आवाज थी माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़। वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि कोई गप दे रहा हूं यहां करके, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो आवाज भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जब वो विधानसभा में गूंजती थी, जब हमारी सुनवाई इस सरकार में होती थी और जब वो ही आवाज शासन में बैठेगी और शासन के उच्च पद पर बैठेगी तो ब्राह्मण का कल्याण होना निश्चित बात है, जरूर मान कर रखिए। जब विप्र कल्याण बोर्ड बना उसके लिए आवाज उठाई तो माननीय राठौड़ साहब ने उठाई। विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, आप सभापति जी आसन पर विराजे हैं, आज किस प्रकार की हालत से विप्र गुजर रहा है? आपने कहा था घोषणा पत्र में संख्या 27 में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे ब्राह्मण वर्ग के लिए, कहां चला गई? हाँ, हवाई हो गया सभापति महोदय, अब मैं क्या निवेदन करूं सभापति महोदय? दूसरा जब प्रदेश में इस शासन में पंडित पुजारियों की हत्याएं हुई, आत्महत्याएं हुई और धू धू करके उनकी लाशें जली, जब हम लोग धरने पर थे पुजारी प्रोटेक्शन बिल के लिए, पुजारियों की रक्षा के लिए, तो विधानसभा में कोई आवाज उठी तो माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब की उठी, वो भी सुनिए आप। राजस्थान के विधानसभा के बाहर एक अनोखा धरना हो रहा है, राजस्थान के अंदर राजस्थान के ऐसे मंदिरों के पुजारी पंडित धर्मगुरु प्रोटेक्शन बिल के लिए आ रहे, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पुजारियों को जिंदा धू कर जलाया गया, राजस्थान का पुजारी उससे हाथ है, वो पुजारी जिसने ईश्वर से सीधा संपर्क कर रखा है उसकी ढाल लगेगी, उसकी दुराशीष लगेगी, इस सरकार को भस्म कर देगी। समाप्ति महोदय, मेरा भगवान परशुराम की। और भाइयों निश्चित ही मान के चलो
कि सामने जो विधानसभा में आवाज उठाई कि सरकार को भस्म कर देगी ब्राह्मणों की, हम ब्राह्मण हैं, हम श्राप देना भी जानते हैं और वरदान देना भी जानते हैं, दोनों चीज देना जानते हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, समय की मर्यादा है, मैं चार लाइनें बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जब इस तारानगर में मरने मारने की बात हो रही है, आज लोकतंत्र के जो मंदिर है, जो लोकतंत्र का चुनाव है, और यहाँ से जयपुर के अखबारों में हम पढ़ते हैं कि मरने मारने की बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ उपस्थित समुदाय चार लाइनें बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। क्या बात है, नादान समझ बुजदिल हमको, लहरों ने बगावत कर दी है। बहुत खूब। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ, यहाँ रेतलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। बोल परशुराम भगवान की जय हो, जय हिंद जय भारत। अब मैं योगेंद्र जी चौहान जोटवाड़ा जयपुर से पहुंचे हैं, साहब को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे जी। अब मैं आगे के क्रम में कूड़ामल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय कूड़ामल जी, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता कूड़ाराम जी शर्मा हमें मार्गदर्शन करेंगे और आशीर्वाद के रूप में महेश जी मिश्रा और विश्वनाथ जी चूरू से पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कोड़ामल जी, कोड़ाराम जी के लिए जोरदार तालियां अभिनंदन। आज विप्र समाज के अध्यक्षता कर रहे भगवान परशुराम जी को नमन। आज ये विप्र समाज का जो सम्मेलन हो रहा है मंत्री जी, ये भगवान परशुराम जी की अध्यक्षता में हो रहा है, और भगवान परशुराम जी के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के बाद मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि एक बार मेरे साथ जोरदार तरीके से एक नारा लगाएंगे, जिस आदमी ने जिन्होंने इसे पार्टी की रचना की उसका नाम लेके मैं कहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप कहेंगे अमर रहे अमर रहे। मैं कहूँगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप कहें अमर रहे अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस विप्र समाज को और इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, और इस सभा को देख के मैं तो यही कह सकता हूँ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी कि आपके नेतृत्व में बनने जा रही है सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी भगवान परशुराम का आज यहाँ आपको आशीर्वाद मिला है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब समय नहीं बचा है, अब समय एकदम 25 तारीख नजदीक आने वाली है, और यह भी मंत्री जी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे समाज के पूरे कार्यकर्ता, आपकी तरफ से मैं राठौड़ साहब को विश्वास दिला दूं कि हमें 100% वोट देंगे, तो दोनों हाथ ऊंचा करके उनको हाथ विश्वास दिलाए, बोलो भगवान परशुराम की। आप यह ब्राह्मण समाज की ताकत देख लीजिए मंत्री जी, और इसके साथ ही मैं आपको एक निवेदन कहता हूं कि ब्राह्मण समाज का चाहे कूड़ाराम शर्मा का कोई काम न हो, लेकिन मेरे समाज का कोई कार्यकर्ता आपके पास आए तो उसको नतमस्तक होके उनका आदर करो और उनका काम करो, ये मंत्री जी मेरा निवेदन है। ये समाज में मेरे को कई लोग कह रहे थे कि आप मंच से बोलना एक बात, लेकिन आपकी इजाजत है तो मैं बोल दूं कि हमारे एक कार्यकर्ता ने, आपकी इजाजत है तो हमारे सामान्य वर्ग के लोग जो आते हैं और ब्राह्मण समाज के जो लोग आते हैं, मेरा एक निवेदन है कि आप प्रायोरिटी पर इस समाज को प्राथमिकता देंगे, और यही हमारे समाज का निवेदन है। और मेरे को यह भी विश्वास है
कि जो राजेंद्र राठौड़ कहता है वो करता है। राजेंद्र राठौड़ जो कहता है, राजेंद्र राठौड़ जो कहता है वो करता है। राजेंद्र राठौड़ जो बोलता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 25 तारीख को कमल के फूल पे वोट लगाना है और 23 तारीख को जब रिजल्ट आए तो तारानगर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद जय भारत। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आगे निवेदन करूंगा, दिनेश जी सांकरोत उप प्रधान अपनी बात रखेंगे। भगवान परशुराम जी की। मंच पर विराजमान हमारे जन सेवक परम आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मेरे सभी विराजमान मेरे युवा साथी बुजुर्ग सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं अभी ही भी बीजेपी 5 दिन से ज्वाइन किए, बाकी सबसे ज्यादा शोषण कोई हुआ है तो तारानगर में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का हुआ है, ब्राह्मणों को जनप्रतिनिधियों का हुआ है। हमने नजदीक से देखा राठौड़ साहब, हम बड़े दुखी हो, मैं समाज के मैं कोई भी काम नहीं करवा पाया, शायद मुझे से दुखी आज कोई नहीं हुआ। कांग्रेस राज के अंदर मुझे यहाँ से तारानगर से बचाया गया, मुझे तारानगर पंचायत समिति के अंदर कभी भी कुर्सी नहीं देगी। शायद मुझे सबसे ज्यादा दुख आज इस बात का हुआ है कि आज भी ना ब्राह्मण समाज के एक दो चुनित लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, बाहर आप जा रहे हो उस स्थान पे कुछ नहीं है, वो एक गरीब देख से देखते नजर उनकी रहती है कि अमीर है उनको गले लगाते हैं, गरीब है उनको कभी भी उनकी तरफ आँख खोल के नहीं देखते। बाकी मैं मंच पर बहुत कम समय है, बाकी मैं घर घर जाके ब्राह्मणों के परिवार ने मुझे कहा कि दिनेश अब बहुत आती हो गई है, अब अपने को बीजेपी को साथ देना है, राठौड़ साहब को साथ देना है। बाकी मैं अभी घर घर घूम रहा हूँ पूरे तारानगर विधानसभा पर, घर में ब्राह्मणों के दूंगा पर सबको समझाऊंगा। सबसे ज्यादा दुखी पंचायत समिति को है तो तारानगर में सबसे ज्यादा पंचायत ब्राह्मण जनप्रतिनिधि है। जरा लंबी बात, बाकी अभी भी मुझे डरा रहे हैं, बाकी डरने वाला नहीं है दिनेश सांकरोत, क्यों उनके पीछे उनका समाज खड़ा है, कतई नहीं डरेगा। अभी भी मैं रात को मेरे पास दो दो तीन तीन बजे कॉल आती है क्या सुधर जा, ये दिनेश सांकरोत के पीछे समाज है, दिनेश अगर जहां भी समाज कहेगा वहां खड़ा रहेगा, इस समाज ने मुझे मड़ा है, ये समाज जो कहेगा उसके लिए तैयार रहेगा। विजय भाजपा, विजय भाजपा, धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। बाबू साहब कोई बात कह नहीं कह, मैं कह दू बाबू साहब कह, कांग्रेस सरकार में बामणा ने बर्फ में लगाए, काम तो बड़े बुझिया करे कौन करे भाई अलग बात है, लेकिन चुन चुन के ब्राह्मणों को बर्फ में लगा दिया। हमारी एक ही आवाज, हम आपको तन मन धन, यदि हमारी गर्दन भी काटनी पड़े तो हम सब आपके लिए तैयार रहेंगे, हमेशा अग्रणी पंक्ति में मिलेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा विजय जी शर्मा चेयरमैन चूरू से, उपसभापति महोदय आप मार्गदर्शन करेंगे। श्री विजय जी। विजय जी अभिनंदन, स्वागत। अभी सबका कार्यक्रम है, संक्षिप्त में अपनी सभी बात रखेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिनके सानिध्य में हो रही है, हम सबके कुल के देवता परशुराम जी आपके मंच पर विराजमान, चूरू जिले के हृदय सम्राट परम सरदे आदरणीय राठौड़ साहब, मंचासीन सभी नेतागण, सामने बैठे हुए मेरे विपरजन भाई बंधुओं, माताएं बहने, मैं सिर्फ दो बात कह कहूँगा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रेंजे बांझड़ी मत गंवावे नूर। ऐसे नेता सौभाग्य से किसी को मिलते हैं। तारानगर वासियों, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको राजेंद्र राठौड़ मिले हैं, आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक ही निवेदन करूंगा कि राठौड़ साहब पिछले 30 साल से राजनीति की चूरू से कर रहे हैं, 6 बार वहां से चुनाव जीते हैं, 4 बार वहां पे मंत्री रहे हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान अगर किसी को मिला है राठौड़ साहब के द्वारा तो वो ब्राह्मण समाज को मिला है। अगर कोई बड़ा आदमी राठौड़ साहब के उम्र में बड़ा अगर ब्राह्मण राठौड़ साहब की कोठी पे गया है या घर पे गया है तो उसके चरण छू के ही उससे बात की है। अगर बराबर का कोई आदमी गया है तो उसके हाथ जोड़ के उससे बात की है। मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूँ। अभी दिनेश जी भाई साहब जो कह रहे थे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। मुझे जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख राठौड़ साहब ने बनाया और बनाते ही ऑफिस के अंदर जब मैं जिला प्रमुख की शपथ उप जिला प्रमुख की शपथ ली तो सबसे पहले मेरा ऑफिस वहां तैयार कराया। वहां मुझे पीए मिला, बाबू मिला, सब कुछ सुविधाएं मिली। आज बड़ी बड़ी दुख की बात है कि आज उप प्रधान जो शब्दों में कह रहे थे बड़ी दुख की बात है। मैं आपको एक विश्वास और दिलाना चाहता हूँ। मैं चेयरमैन भी बना हूँ। मुझे जो बनाया जो ब्राह्मणों को सम्मान दिया मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे सम्मान मिला। ये सम्मान राठौड़ साहब ने दिया है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस चूरू तारनगर तहसील में अगर सबसे ज़्यादा अगर सम्मान होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राठौड़ साहब ब्राह्मण का सम्मान करेंगे। एक तारानगर की बहुत बड़ी मांग है। हमारे चूरू की भी एक मांग थी। एक जमीन का मैंने प्रस्ताव लेके नगर पालिका नगर परिषद से भिजवाया था। इस गहलोत सरकार ने रुकवा दिया। और यहाँ भी एक जमीन का मांग है। बहुत काफी दिनों से मांग चल रही है जो पिछली दफा मैंने भी प्रयास किया था। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 15 दिन में आपकी जमीन का अलॉटमेंट होगा। जो चाहोगे वो जमीन मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, समय की मर्यादा है। आप सब लोग आए, मुझे जो मान सम्मान मिला इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो भगवान परशुराम की। राजेंद्र राठौड़। अब मैं निवेदन करूंगा, रामेश्वर जी पारिक डूंगरगढ़ से पधारे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। सभी के भोजन की व्यवस्था इस सभा के बाद में की गई है। सभी प्रसाद लेके ही फिर प्रस्थान करेंगे। इसी अपने पंडाल के इस साइड के अंदर है। वेद माता गायत्री की जय हो। अरे ब्राह्मण है जरा जोर से, गायत्री से बड़ी ब्राह्मणों के लिए और कुछ नहीं है। एक बार जोर से बोलिए, वेद माता गायत्री की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। मंचस्थ सभी आदरणीय जन, राजस्थान के जन जन के नायक विप्र हितेशी और मित्रों के लिए 24 घंटा खड़े रहने वाले मेरे परम मित्र राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं श्री डूंगरगढ़ से चल के आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, मस्त और दुरुस्त होके आया हूं, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत का पैगाम लाया हूं। बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा भाजपा मैं हो रहा है। मैं जब तारानगर में पहुंचा एक चाय की दुकान पे रुका और मैंने पूछा कि तारानगर में क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत शानदार बात कही कि कांग्रेस को तारानगर से छुड़ा देंगे ठोर, क्योंकि आ गए हैं राजेंद्र राठौड़। इतना शानदार वातावरण है। मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और कॉलेज के जमाने में मेरे मित्र रहे राठौड़ साहब। बहुत मंचों से मैंने उद्बोधन दिया है लेकिन आज मैं जा खड़ा हूं, इतने ब्राह्मण बंधुओं का तो चेहरा देख रहा हूं, ये मेरे जीवन का सबसे शानदार सूर्य है आज का। अभी मंच से नारा लगा रहे थे कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश का राज करेगा। मैं आपसे कहता हूं आप नारा लगाइए, ब्राह्मण जिसके साथ है जीत उसी के हाथ है। ब्राह्मण जिसके साथ है, ब्राह्मण जिसके साथ है। मुझे ये लगता है, या माताएं बहनें भी बैठी है, आपको भी वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के चेहरे को देख के ये तय हो गया है, राजस्थान में ब्राह्मणों के साथ जो 5 साल में हुआ मैं शब्दों में बयान कर नहीं सकता। और राठौड़ साहब ने बहुत विधानसभा में ये आवाज भी उठाई है, समय की अपनी मर्यादा है। मैं आपसे विनम्र संबोधों से निवेदन करता हूं कि आप लोग लग जाइए, और इस बात की गारंटी भी देता हूं, मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, गायत्री पाती हूं, त्रिकालीन संध्या करता हूं,
और इस व्यक्ति के लिए माँ गायत्री की सौगंध खा के आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अगर कहीं भी अगर एक आंटा चुभेगा राजेंद्र राठौड़ आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा राधे श्याम जी कोहिणा से, विमलेश जी विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय सचिव पत्रकार महोदय आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभा में उपस्थित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब सहित समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान अति सम्मानित समाज के प्रबुद्ध जन, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा समाज जागरूक हुआ है और अपने हक हकूक के लिए संघर्षरत भी है। आज ऐतिहासिक सामाजिक एकता की घड़ी है, बड़ा खुशी का दिन है। पिछले 5 सालों में तारानगर विधानसभा की जनता ने जो सहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी महकमों की लूट, सरकारी और धार्मिक जगहों की गोचरी, तानाशाही और घमंड, और इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई उपेक्षित प्रताड़ित और छल कपट जिसके साथ किया गया वो ब्राह्मण समाज था, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि अपना समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और सहयोग कर रहा है, इससे राठौड़ साहब की जीत तो बढ़ी है, साथ ही हमारा समाज भी आज एक जाजम पर आया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप सबकी गरिमा में विशाल उपस्थिति देखकर यह संकेत है कि अपना समाज स्वतः ही और खुशी से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, एक बात आखिर में करना चाहता हूं कि किसी भी उम्मीदवार की रीति नीति और उसकी सोच, उसकी जीत और उसकी कार्यशैली की गोतक होती है। 4 नवंबर को कांग्रेस के उम्मीदवार बुडानिया जी ने जिस तरह सभा में कहा था कि मुझे 33 कौम का समर्थन चाहिए, मैं कह रहा हूं अपमान हमारा हुआ नहीं, अगर गलत हाथे चढ़ गए तो अपमान अब आगे होगा। इसलिए इसी रीति को देखते हुए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि राठौड़ साहब को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें और भावी जीत बड़ी जीत में भागीदारी निभाए। धन्यवाद, जय भगवान, जय परशुराम। पराक्रम सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब मैं आगे की कड़ी में राकेश जी शर्मा सरपंच ब्रह्मनगर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। राकेश जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं मैं इस तारानगर की विधानसभा की उस प्रत्येक गांव से जहां से विप्र बंधु आज यहां पहुंचे हैं, प्रत्येक गांव का अभिनंदन और स्वागत, और तारानगर शहर का अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित मंच पे विराजमान हम सब के लोक लाडले हृदय सम्राट आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, और सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान तारानगर विधानसभा के जगह जगह से, प्रत्येक जगह से आए विप्र समाज के बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज का बड़ा सौभाग्य का दिन है कि चुनाव होते हैं, और चुनाव होकर किसी भी प्रकार की, जब ब्राह्मण बंधु जब वोट देता है, वोट के बाद में जो राजनीति का शिकार होता है वो आपने इस मंच से आज देख लिया। लेकिन आज वो घड़ी है, वो पल है कि इस तारानगर की विधानसभा का प्रत्येक ब्राह्मण एक आवाज निकाल रहा है, वो निकाल रहा है राजेंद्र सिंह जी राठौड़। और राठौड़ साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके सामने तारानगर का विप्र समाज बैठा है, आज से आप इन सबके आगामी 5 साल के लिए, आप जब भी यहां जो भी कोई ब्राह्मण किसी गांव से जाता है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उसकी पुरजोर मदद और समर्थन करेंगे, और जो व्यथित समाज है उस समाज को आगे लाने का आप काम करेंगे। इसी क्रम में मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि ये सितारा नगर की बहुत वर्षों से एक मांग रही है, और आज मैं चाहूंगा कि इस मंच से, जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, और आज इस मंच से मैं चाहूंगा कि आप इस जो मांग है तारानगर की कि परशुराम छात्रावास जो काफी लंबे समय से
काफी लंबे समय से और हम सब समाजवासियों की एक मांग थी कि तारानगर में परशुराम छात्रावास हो। आज इस मंच से आप कहेंगे और तारानगर के परशुराम छात्रावास के निर्माण के लिए जो 2 बीघा की जमीन अटकी हुई है वो भी और उसके साथ भवन निर्माण में अपने विधायक कोटे से, चूंकि हमारी तरफ से आप विधायक बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, और आपके विधायक कोटे से भी हम मांग करेंगे कि उस परशुराम छात्रावास में आप हमारी मदद करेंगे। दूसरी में मांग, जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, रोज पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होने की वजह से उम्र बढ़ जाती है, तो मैं चाहूंगा कि EWS में उम्र का जो दायरा है वो भी जो बाकी आरक्षित वर्ग को मिलता है उसका फायदा ब्राह्मण समाज के उस नौजवान को भी मिलना चाहिए जो EWS में आता है। एक प्रमुख मांग, जो EWS में जो पूर्व में 10% का आरक्षण था, उस आरक्षण को जो सीमा है जो 10% से बढ़ाकर उसको 14% कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास आज बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम सब सुनने के लिए जिसको आतुर हैं, ऐसा नाम है राजेंद्र सिंह जी राठौड़। अब मैं इस मंच से इस तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हो, जिस शख्सियत को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, जिस शख्सियत को मैं अब मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम। एक साथ दोनों हाथ खड़ा करके अपना समर्थन देंगे राजेंद्र सिंह राठौड़ का नारा जयकारा करेंगे। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। जय हिंद, जय। धन्यवाद राकेश भाई साहब। आगे मैं निवेदन करूंगा रमेश जी कोहिना से कि वो अपनी बात रखेंगे। रमेश जी के लिए जोरदार तालियां, स्वागत। मंच पर विराजमान माननीय राठौड़ साहब, अन्य नेतागण और मेरे परिवारजन, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। बात मोटा मोटी दिनेश जी भाई साहब है, अपन बता चुका कि राज में आपने सागे के हो, बिंगो गुवाईदार मैं भी हूं। और अब अपने मान सम्मान जो को मिलनो है वो बीजेपी के राज में मिलेड़ो है और अपन मिलसी। आ प्रार्थना मैं थारे सगड़ा जो करूं कि अपन सगड़ा ने जोर शोर से समर्थन करनो है राठौड़ साहब को, और आने वाली 25 तारीख ने फूल को बटन दबा के अटौ राठौड़ साहब ने जिंदा के भेजांगा, जयपुर साहब मुख्यमंत्री बन गया अपने बीच में पाछा आवेगा। और मेरा एक निवेदन वो भी है समाज बंधुवासियों कि आपने समाज का बहुत सारा वोट राजस्थान और तारानगर से बारे हैं, वहाँ वोटों की लिस्ट कार्यालय पहुंच चुकी है, संपर्क भी हो रही है, लेकिन आप आपके परिवार की जिम्मेदारी ले लो कि अपने परिवार को जो वोट है बिन बुलाने की खुद जिम्मेदारी आप राजेंद्र सिंह राठौड़ बन गए करांगा, जब वो वोट राज्य कुछ पोल हो और अपने वोटों की संख्या बहुत सारी गिनी जाएगी। इंगे सागे धन्यवाद, राम राम, जय परशुराम। अब हरि भाई जी से निवेदन करूंगा, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। हरि भाई जी बोलो। भगवान परशुराम की। राजस्थान राजनीति के चाणक्य और तारानगर से विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, एक को छोड़कर माताओं बहनों, मेरा निवेदन है कि तारानगर के विप्र अफसरों ने कौन सा गुनाह किया था जो उनको बाड़मेर जैसलमेर दिखा दिया गया? क्या वो अफसर नहीं थे? परंतु मेरा एक ही निवेदन है हाथ जोड़कर कि 25 तारीख तक आप घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर में जाएंगे, वोट मांगेंगे, हम सब राजेंद्र सिंह राठौड़ बनेंगे, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, राजेंद्र राठौड़। बाबू साहब, पराक्रम जी भाई साहब एक मीटिंग ले रहा, एक बोल, मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो इन्होंने पराक्रम भाई साहब ने जो बात कही, एक मिनट रुको, तो जो कार्यकर्ता सभी क्षेत्र के बैठे थे उन्होंने कहा कि आप सभी मेरे छोटे भाई हैं, ऐसे भाई हमें आपने दिए हैं, तो ये इनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ का अब मैं नाम पुकारूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। हाँ साहब, जोरदार तालियों से राजेंद्र दोनों हाथ ऊपर करके
राजेंद्र राठौड़ का स्वागत। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। जिस सभा की अध्यक्षता स्वयं भगवान परशुराम करे, उस सभा का संकल्प निश्चित तौर पर अपने मुकाम पर पहुंचता है। मैं बरसों से सियासत में हूं, 7 बार लगातार जीता हुआ विधायक हूं, सरकार में मंत्री रहा, कई सभाओं में मैं गया, पर आज की यह सभा मेरे जीवन के लिए अनूठी सभा है। इसलिए अनूठी है, मैंने आते ही पूछा सभा की अध्यक्षता मंच सजा है, विप्र समाज के प्रतिनिधियों से भरा हुआ मंच है। सभी ने एक स्वर पर कहा हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम, वो शक्ति जिनके वंशज के रूप में हमने विप्र की संस्कृति को जिंदा रखा है, आज वही अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं नतमस्तक होकर दृष्टांत करके भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। मंच पर जो पीछे पर्दा लगा है, आपने लिखा है विप्र समाज आशीष दे रहा है, राजेंद्र राठौड़ सदैव विजय रहे, आपका ये आशीष इस लोकतंत्र के युद्ध में निश्चित तौर पर जीवन भर याद रहेगा। भाइयों, आज मैं उस समाज से रूबरू हो रहा हूं। एक ब्राह्मण बोलता है, गांव में बोले, शहर में बोले, ब्राह्मण जब बोलता है, मुंह खोलता है, तो जमाना ठिटक कर खड़ा होकर उसकी बात सुनता है। यह इसलिए सुनता है कि ब्राह्मण के अंदर हम सब लोग, दूसरे समाज के लोग एक देवत्व देखते हैं। अभी मेरे बारे में विजय कुमार जी ने कुछ बातें कही, बचपन से संस्कार मिले, मैं मंत्री था, कई बार विप्र समाज के बंधु मुझसे मिलने सचिवालय में आए, मैंने मेरी कुर्सी छोड़कर जब उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, तो मेरे साथी एक मंत्री ने कहा मंत्री की कुर्सी से खड़े होकर आप चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैंने कहा यह संस्कार मेरे पिता उत्तम सिंह जी ने दिया था, और यह कहा था हमारे मन और मस्तिष्क में ब्राह्मण को देव तुल्य मानकर हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना। भाइयों, अभी मंच से मऊ प्रधान जी की, सांकरोज जी की, कभी पंकज को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने पीने के पानी की सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश लिख डाला, कभी राहुल रेड्डी को पकड़ा गया। मैं समझता हूं लोकतंत्र में जो तंत्र शासन करता है उसका निर्माण लोग करते हैं, और सब जानते हैं लोग की अगुवाई कोई समाज कर सकता है तो ब्राह्मण समाज कर सकता है। मेरे मन में दर्द है, मेरे मन में पीड़ा भी है। 2008 के अंदर विधायक था, विधायक कोष से भगवान परशुराम सर्किल बना, कोड़ाराम जी इन सब लोगों ने कहा मूर्ति लगनी चाहिए, भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, हमें बार बार करते रहे, सरकार से मंजूरी नहीं मिली।
मैं आज वादा करके जा रहा हूं, मैं आज वादा करके जा रहा हूं इस तारानगर में आराध्य देव भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगेगी और वो छात्रावास का जो 2 बीघा की राशि आपकी जमा पड़ी है, दर्जनों बार आप यहां के चुने प्रतिनिधि के सामने गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई, समय का चक्र घूम रहा है। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा हो रही है और उस सरकार में 2 बीघा नहीं 5 बीघा जमीन राजेंद्र राठौर भगवान परशुराम छात्रावास के लिए और उसके साथ पहला कोटा विधायक का 51 लाख रुपए की स्वीकृति राजेंद्र राठौर। और लोग जानते भी हैं कि मैं जो बोलता हूं मन को तोलता भी हूं, मन तोल कर बोलता हूं राजेंद्र राठौर। भाइयों भी विप्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष उदेनिया जी ने विधानसभा में मुझे बोलते हुए जो मैंने कहा वो बातें कही, मुझे दर्द है। 5 साल की सरकार में मंदिर में मूर्ति सुरक्षित नहीं रही, पुजारी सुरक्षित नहीं रहा, कभी दोसा में कभी करौली में धू धू कर पुजारियों को जलाया गया। मंदिर माफी की जमीन पर सरमाएदार लोगों ने कब्जा किया। रामनवमी पर इजाजत से निकले हुए जुलूस पर करौली में हमला करके भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर को पैरों से रौंदा गया। उदयपुर के अंदर कलेक्टर ने फरमान जारी कर दिया, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पताका लगा डाली, शहर में लगा डाली, उदयपुर में अखबारों में आपने पढ़ा होगा, मुकदमा बना डाला, नगर निगम ने पताका हटा डाली। यहां हम सब सालासर जाते हैं, सालासर में डीजे पर आप हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी लगाने वाली यह सरकार है। यह सरकार वो सरकार है जिसने सालासर के अंदर वो दरवाजा, जिस दरवाजे से आप हम निकले, जिसमें राम दरबार बना हुआ था, उस दरवाजे के साथ राम दरबार को ढाने का काम किया, तोड़ने का काम किया। राजगढ़ अलवर में 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर और शिवलिंग को ड्रिल करके तोड़ा गया। एक तरफ यह सरकार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में यह व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जिन्होंने 500 वर्ष के संघर्ष को, हम कहते रहे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि तिथि नहीं बताएंगे, अब वो मंदिर तैयार हो रहा है, दिसंबर के अंदर आप रामलला का जन्म जहां हुआ था उस मंदिर के दर्शन करो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मंदिर बनाने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ने वाली पार्टी है। एक तरफ भगवा ध्वज को अपना स्वाभिमान मानने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ भगवा लगाने पर मुकदमा करने वाली सरकार और पार्टी है। भाइयों आज की यह सभा विप्र सम्मेलन, आज मैं मेरी इस चुनाव की फिजा को आपने बदल दिया, क्योंकि मेरा बरसों का अनुभव है विप्र कभी अकेला नहीं रहता, एक ब्राह्मण उसके पीछे चलने वालों की 100-100 की फौज है। आप मेरे लिए मतदाता नहीं मत निर्माता की भूमिका निभाओ और मत निर्माण के लिए आज की सभा के बाद गली कूचों में चले जाओ, गांव में चले जाओ और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने वाले मोदी जी और इसमें 10% को 14% करने का आपका संकल्प
और इसमें उम्र बढ़ाने का आपका आपकी इच्छा, बस सरकार में जाने का रास्ता खोल दो। आपकी इन बातों को पूरा करने के लिए 6 फुट 2 इंच का राजेंद्र राठौड़ संकल्प लेकर। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, परशुराम की। भाइयों, उस समय कितनी पीड़ा हुई होगी जब कनकाचल पर्वत, आदि बद्रीनाथ, भगवान कृष्ण की लीलाएं वहां हुई थी, उसमें अवैध खनन जारी रहा 500 दिन। राजस्थान के पुजारियों ने, राजस्थान के विप्र समाज ने धरना दिया, सुनवाई नहीं हुई। बाबा विजयदास 501वें दिन अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करके इस सरकार के पर के माथे पर बदनुमा दाग लगाकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। कौन सी सरकार। और कल सरकार के मुख्यमंत्री जी आए, राहुल गांधी जी आए, जिनको पूरी दुनिया देश पप्पू के नाम से जानता है, वो आए। प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि सभा हुई है, तो मैंने कहा सभा हुई है, किसान को याद आ गया, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 10 तक गिना था, कर्जा माफी की बात कही थी, और राजस्थान का किसान कर्जे माफी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जमीन को नीलाम होता देखता रहा। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुढ़ानिया जी को जिता के भेज दो, नहर बना दूंगा। गहलोत साहब, आपकी सरकार 5 साल तक चली, 5 साल तक आपको याद नहीं आया, अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आपको याद आया है। भाइयों, ये सरकार नहीं सर्कस थी। सर्कस में जिस तरह जोकर आते हैं सरकार के मंत्री, इस सरकार के सामने सरकार का उपहास उड़ाते रहे। राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, एक मंत्री खड़ा होकर कहता है हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, दूसरा मंत्री कहता है हमारे यहां बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और जब उस मंत्री को बर्खास्त करते हैं तो वो डाल डायरी लेकर आता है और कहता है इसके अंदर गहलोत साहब आपके कारनामे लिखे, आपके बेटे के कारनामे लिखे। सरकार भड़क उठती है। इस सरकार के चलते कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को हैरानी और परेशानी नहीं हुई। नौजवानों के अरमान लुटते चले गए, नौजवानों का पेपर लीक ने नौजवान को परेशान किया, नौकरियां लूटती देख ली हमने, भ्रष्टाचार की भट्टी ऐसी जली। आपके इस तारानगर में थाना कचहरी नीलाम होती रही। एक थानेदार जी या SHO थे, चूरू आ गए। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, मेरे आगे भी पुलिस चल रही थी। मैंने थानेदार जी को पूछा आप यहां कैसे पधारे आए, बोला सही सही बोलूं साहब, पहले साहब ने कहा इतने रुपए मंथली देनी पड़ेगी, मैंने 1.25 साल तक दी, फिर मैम साहब का हुक्म आ गया कि साहब के साथ साथ मैम साहब का भी, अब दो दो को मंथली दूंगा तो लूटूंगा कितना, ये हालात। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहूंगा इस पेपर लीक ने उस कन्हैयालाल पारिक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उस मंदिरपुरा का, उस नौजवान का सुसाइड नोट अखबारों में छपा। उसने लिखा पिताजी आप धान मंडी में वहां सुबह से शाम तक बोरियों को गिनते हो, बोरियों को उठाते हो, मैंने आपको कहा था कि आपका बेटा अध्यापक बनकर आपकी सेवा करेगा, आज सुबह फिर पेपर लीक हो गया, मैं आपके अरमान पूरा नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन को छोड़ रहा हूं। इस प्रकार की ये सरकार चली। भाइयों, मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि अब इस लूट और झूठ की सरकार की विदाई के लिए ये ब्रह्म समाज, ये विप्र समाज, ये आगे आए और मेरी मदद करें। मैं आत्मा से कह रहा हूं, सह शपथ कह रहा हूं, सामने
मेरी धर्मपत्नी आ रही है, ऊपर मेरा बेटा बैठा है। शपथ से कह रहा हूं, आपके मान में आपके सम्मान में कोई कसर नहीं आने दूंगा, बस आपका साथ चाहिए। आज के बाद आप राजेंद्र राठौड़ बन जाओ, गली कूचों में जाओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करोगे आपके आगे आपके कवच के रूप में यह व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आप मेरा साथ दें, दोनों हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जीवन भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मीडिया कवरेज जो इस कार्यक्रम की मीडिया कवरेज कर रहे हैं मुकेश जी दादी साथियों, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद के रूप में मैं वासु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। भोजन की व्यवस्था इधर है, सभी भोजन करके फिर प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विप्र बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी विप्र बंधुओं से निवेदन है कि मंच के दाहिनी ओर हमारे सबके भोजन की व्यवस्था की हुई है, तो सब विप्र बंधुओं से निवेदन है कि वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। मंच पे इतनी भीड़ ना हो, मंच पे ज्यादा भीड़ ना हो। भोजन व्यवस्था को देखें, सभी बोले निवेदन राकेश जी चंगोई से उनके सानिध्य में। ऐसी है बोलिया है बोले